जो आपने इसमें फीचर दिया है वो मेरे को सच में रियली बहुत पसंद आया। उसकी जो बैटरी है उसे सेव कर देगी। गाइस, दिल्ली के प्रगति मैदान में राइड एशिया मेला, जो कि डेडिकेट करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक बाइक को, वो स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे को काफी सारे इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो देखने के लिए मिले, काफी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स देखने के लिए मिले, लेकिन मुझे एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो काफी ज्यादा पसंद आया। अब वो किस कारण से पसंद आया, वो इसकी सेफ्टी के कारण पसंद आया। आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में फायर की प्रॉब्लम कई जगहों पर देखने के लिए मिली, क्योंकि इंडिया में टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो जाता है। अब इस कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को सेव करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका जो है वो इन्वेंट किया है, वो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो आप प्लीज एक बार भाई मेरे को ये बॉक्स खोल के दिखा देंगे, जो आपने इसमें फीचर दिया है वो मेरे को सच में रियली बहुत पसंद आया। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर देखने के लिए मिलेगा। अगर आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल का टेम्परेचर अगर हाई हो जाता है तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो चीज है वो ब्लो आउट हो जाएगी और आपका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी जो बैटरी है उसे सेव कर देगी। इससे क्या पानी निकलता है भाई? नहीं सर, इसमें जो फायर केमिकल होता है वो निकलता है, लाइक जो हमारे को दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर देखने के लिए मिलता है वो इसी तरह का। अगर इसमें हमारे को देखने को मिलेगा सिस्टम लगा है नोजल में, जैसे हम होटल में जाते हैं कमरों में लगाते हैं, रूफ पे लगा होता है। ओके ओके, टॉप पे जो लगा रहता है धुआं सेंस करता है। ओके, जैसे ही धुआं सेंस करेगा एकदम ब्लास्ट हो जाएगा और सारा का सारा केमिकल वहां पे कर देगा। ये बैटरी यहां पे इंस्टॉल होती है। ओके, हां जी हां जी, आप जैसे जानते हैं लिथियम की बैटरी कभी भी फायर नहीं पकड़ती है, वो सिर्फ धुआं ही करती है। बिल्कुल, धुआं ही सेंस करके उस गाड़ी को बचा लेगा। ओके, ये तो काफी अच्छी चीज यहाँ पे मेरे को देखने के लिए मिली कि अगर आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर में हल्का सा भी धुआं आता है तो ये फायर एक्सटिंग्विशर आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार हो सकता है उस टाइम में। चलिए इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन भी चेक करते हैं। अच्छा भाई, जैसे कि ये ई अश्वा का ग्लाइड प्लस मॉडल है, तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या रहने वाली है, मींस इसके कितना मोटर साइज कितना होने वाला है? मोटर साइज सर इसका 250 वॉट ही है। ओके, लो स्पीड में आता है ये मॉडल हमारा। ओके, इसमें आप लेड एसिड लिथियम दोनों बैटरीज ऑप्शन यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपने लेड एसिड बैटरी डाली 60 किलोमीटर की रेंज रहेगा। अगर आप लिथियम में जाते हैं 60-45 AH की, तो 150 किलोमीटर तक भी चलने को तैयार है। फाइन, तो अभी जैसे कि मैंने आपने बताया कि ये एक 250 वॉट की जो मोटर है इसमें लगाई गई, तो इसमें जो टॉप स्पीड है वो कितनी हमारे को मिल जाएगी? 25 किलोमीटर पास है, 25 ये आईकैट अप्रूव्ड जो इलेक्ट्रिक बाइक की जो स्पीड होती है टॉप स्पीड, वही इसमें हमारे को मिलती है। ओके, और अगर सिंगल चार्ज में मैं बात करूं तो ये कितनी रेंज हमारे को प्रोवाइड कर रहा है? लेड एसिड में सिंगल चार्ज में 60 किलोमीटर रहेगा। ओके, लिथियम में जैसे आपको बताया कि जितने एएच आप डालेंगे उतने ज्यादा आप रेंज ले सकते हैं। ओके, डिपेंड करता है, 60-150 किलोमीटर ऑप्शंस अवेलेबल है। गाइस देखिए, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पे आपको डिफरेंट बैटरी ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। आप इसे लेड एसिड के साथ भी परचेज कर सकते हैं, लिथियम आयन के साथ भी परचेज कर सकते हैं, आपके पास हर तरह के ऑप्शन है, क्योंकि हर किसी का बजट डिफरेंट होता है। अच्छा भाई, मैं बात करूं अगर एक लेड एसिड के साथ इसका प्राइस, तो वो कितना होने वाला है? इसका स्टार्टिंग प्राइस जो होता है शुरू हो जाती है 60,000 रुपए से। 60,000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, फिर डिपेंड करता है बैटरी ऑप्शन। अच्छा, मैं बात करूं अगर इसे कोई पैन इंडिया डिलीवर कराना चाहता है तो क्या वो डिलीवरी करा सकता है? बिल्कुल करा सकता है सर, हमारी ऑल ओवर इंडिया 1200 डीलरशिप्स हैं। ओके, और ज्यादातर हर लोकेशन में हम अवेलेबल हैं। ओके, वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ओके, आप हमारा नंबर शेयर कर सकते हैं। तो गाइस, मैं कंपनी की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, कंपनी का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोगों को ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो कि फायर प्रूफ इलेक्ट्रिक स्कूटर है, लाइक अगर मैं बात करूँ फर्स्ट इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल क्लास है, जो बहुत अच्छा मुझे लगा और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगा, अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोगों को इस तरह के इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।